हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम राकेश जंगपांगी। वेलकम टू जंगपांगी एजुकेशन हब। आज है 22 जनवरी 2021। 22 जनवरी 2021 को मैं जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो सभी क्वेश्चन आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज के सवालों से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांस यूरानिक तत्व का संश्लेषण, एनरिको फर्मी ट्रांस यूरानिक तत्व, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के लिए शोर की सहनीय सीमा लगभग है? मनुष्य के लिए शोर की जो सहनीय सीमा होती है वो 85 डेसिबल होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। एक नींद वाले व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की आवाज़ ही पर्याप्त होती है। लगातार 80 डेसिबल की आवाज़ में रहना हानिकारक साबित होता है। 85 डेसिबल इंसान द्वारा किसी भी शोर को सहन करने की अधिकतम सीमा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम देता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। गर्मियों में बाएं दिशा में एक पंखा ठंडी हवा को नीचे धकेल कर आपके घर को ठंडा करने में मदद करता है, जो आपकी त्वचा की नमी को जल्दी से वाष्पित करने में मदद करता है, ताकि जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है तो इसका आयतन में क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है तब आयतन की मात्रा में कमी होती है और घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन जब हम 4 डिग्री सीमा को पार कर लेते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है और घनत्व कम हो जाता है। इस प्रकार जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है तो इसकी मात्रा पहले कम होती है और फिर बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मूल अवस्था में पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो है सोना, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई वॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड है? आई वॉश में कौन सा एसिड होता है जो इस्तेमाल होता है? बोरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। बोरिक एसिड नेत्र को साफ करने के काम आता है। बोरिक एसिड आंखों की जलन को भी कम करता है और प्रदूषक को आंखों से हटाने में मदद करता है, जैसे कि स्मॉग, क्लोरीन या अन्य रसायन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अम्ल में उभयनिष्ठ तत्व है? सभी अम्ल में कौन सा उभयनिष्ठ तत्व है? हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसमें मैलिक एसिड पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है सेब, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। मैलिक एसिड कई फलों और सब्जियों में पाया जाता है और सेब, नाशपाती में पाए जाने वाले खट्टे स्वाद के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं। अब सिरके की बात करें, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HCl, HI, HBr और HF की अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम बताना है। ठीक, ये बढ़ना नहीं है, बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता क्रम क्या होगा? HF, HCl, HBr और HI, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अम्लीय हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। ठीक है, HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, फिर HF होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलेरिया, परजीवी और अमीबा किस समूह के अंतर्गत आते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।